जब देश में सभी नागरिक बराबर हैं तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि ये लोग देश एक्स्ट्रा है। ये खोड़ा है, छत से देखो तो दिखता कितना लंबा चौड़ा है, जो ना खाए घोड़ा वो खाता है खोड़ा। ऐसी लाइनें यहाँ खूब मशहूर हैं। यहाँ घरों में लोग ऐसे ही रह रहे हैं जैसे प्राइवेट बसों में ठूंस ठूंस कर लोगों को भरा जाता है। कोरोना काल के लगभग खत्म हो जाने के बाद से ही लोग काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो क्या इस फीलिंग का फ़ायदा उन लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में लगाया जा सकता है जो कि बहुत ज़मानों से नरकीय यानी नेगेटिव ज़िंदगी जी रहे हैं। आवाज़ की टीम आज दिल्ली, गाज़ियाबाद और नोएडा के बीचों बीच बसे एक ऐसे शहर में है जो आपके रहने और शहर के प्रति जो आपकी समझ है उसे पूरी तरह से बदल देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मैं आपके सामने हूं और एक नए मुद्दे के साथ। जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उनकी आवाज हम बनते हैं। ऐसी एक आवाज है, यह आवाज किसी व्यक्ति की नहीं, किसी एक विशेष की नहीं है, यह आवाज़ है एक पूरे शहर की। यह आवाज़ है जो एक महानगर के अंदर एक खुद का शहर बसता है। आपको बता दूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सही है या कैसा है यह आप खुद फैसला कीजिएगा, लेकिन इंडिया गेट से महज 11 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर बसता है जो गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली इन सब के बीच आता है, जिसकी कहीं भी कोई बात नहीं करता। आपको बता दूँ कि कुछ गाँव, कस्बे, शहर ऐसे होते हैं जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां पर नेता जाता है अपना वोट मांगता है, तो वहीं कुछ ऐसे शहर होते हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, अकूत धन है, अकूत पैसा है, उनको हम पॉश एरिया भी कहते हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि एक ऐसा शहर भी है, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ 10 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है, एक ऐसा शहर भी है जिसकी कोई बात नहीं करता। क्यों उसकी बात होनी चाहिए, हमने ऐसा फैसला क्यों किया, इसके पीछे वजह थी कि कई सालों से ये 10 लाख से ऊपर की जो आबादी है ये किन परिस्थितियों में रह रही है। यहाँ पर जो सीवर सिस्टम है, 4 महीने, आप समझ रहे हैं, साल के 4 महीने यहाँ काम धंधा सब बंद सा रहता है। इसके साथ ही बाकी जो समय होता है वहाँ पर लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, बिजली के तार हैं वो हाथों के छूने भर तक आते हैं। इसके साथ ही अन्य समस्याएँ, पेयजल की समस्या, बेरोजगारों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आते हैं वो बाहर से होते हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं। यहाँ पर रिक्शा चालक जो आप सड़क पर देते हैं, जो ऑटो चालक जो सड़क पर देते हैं, वो पूरा यहाँ पर एक समूह रहता है। तो इन सब लोगों की एक संगठित जो आवाज़ है वो उठनी चाहिए, इनकी परिस्थितियों में, जीवन में इनके जो तनाव है, जो जो समस्याएँ हैं उन पर भी बात की जानी चाहिए। इसलिए आज हम आए हुए हैं, नोएडा का बोलूँ या गाज़ियाबाद का बोलूँ, हम लोग हैं खोड़ा कॉलोनी में। इस खोड़ा कॉलोनी की आज हम बात करेंगे, खोड़ा कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं उनको हम आपके सामने रखेंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे। यहां पर आकर एक चीज समझ आती है कि इस देश में जो दो तरह के शहर होते हैं, एक वो जहां फ्लाईओवर, फर्राटा भरती महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़ों में नजर आते लोग, जिसे दिखाकर भारत को सुपर पावर बना दिया जाता है, तो वहीं दूसरा वो शहर जहां गरीब वोटर रहते हैं, वो वोटर जिनसे नेता वोट मांगने जाते हैं। वहीं इससे भी अलग यहां एक और ऐसा शहर है जहां सरकार तो नहीं रहती लेकिन लोग रहते हैं। इसी शहर की बात हम आज कर रहे हैं कि जहां जो ना खाए घोड़ा वो खाता है खोड़ा। यहाँ लोग नालों के ऊपर पूरा होटल चला लेते हैं, नालों के किनारे मैकेनिकी होती है। जिस जगह पर यह व्यक्ति आपकी पेट पूजा का सामान तैयार कर रहा है वहां उसके नीचे से गंगा जल बह रहा है। काश वैक्सीन आने की खुशी में मोदी जी एक बार यहाँ आ जाते, हालात देखते तो शायद कह भी देते कि इन्हें भी विकास वाली वैक्सीन की सख्त जरूरत है। आप यहाँ लोगों का सैलाब तो देखते हैं, चंद गजों में बने लंबे लंबे मकान तो देखते हैं, लेकिन यहाँ की सीवर व्यवस्था और बिजली के तार, पीने का पानी और 10 लाख लोग सुनकर डर जाएंगे। यही खोड़ा का सच है,
जो अपनी आवाज उठाना तो क्या, इशारों में भी सरकार को समझा नहीं पाता। इसी खोड़ा से एक जमाने में आधुनिकीकरण की परिभाषा लिख चुके रिक्शा। उसके ड्राइवर मतलब चालक मतलब रिक्शा वाले भैया निकलते हैं। इसी खोड़ा से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के ऑटो चालक सुबह सुबह निकल पड़ते हैं कमाने और खाने। इसी खोड़ा से मजदूर दिल्ली, नोएडा, मयूर विहार के उद्योगों में काम करने के लिए निकलते हैं। लाखों लोग इसी तरह रोज यहां से निकलकर दफ्तर, काम या जिंदगी बनाने निकल पड़ते हैं। यहां की व्यवस्थाओं पर बोलने के लिए शायद किसी के पास वक्त भी नहीं। हमारे कैमरों को देख चकरा रहे ये लोग सोच रहे होंगे कि ये मीडिया वाले बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाय नाश्ता करने के बजाय आखिर यहां क्या कर रहे हैं। ये चाचा बीते 17 साल से यहां काम कर रहे हैं। बच्चे मुखर्जी नगर में अफसर बनने के लिए पढ़ने गए थे, लेकिन कोरोना की मार में अब घर पर है। चाचा अच्छा बोलते हैं, इसलिए खुद ही सुनिए। तो हम जहां खोड़ा में मौजूद हैं, यहां हमारे साथ मैं हूं, कुछ मक्खियां हैं और एक चाचा है जो यहां पर बीते 17 साल से दुकान लगा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि खोड़ा में किस तरीके से जो परेशानियां हैं वो कम तो नहीं हुई, हालांकि साल दर साल बढ़ती चली गई। बताइए चाचा, नाम बताइए, क्या परेशानी यहाँ पर खोड़ा में जब से आप दुकान लगा रहे हैं, क्या क्या आपको देखने को मिला? यहाँ सर सबसे ज़्यादा परेशानी तो पानी की है। यहाँ 3-4 महीने तो काम हो ही नहीं पाता है पानी की वजह से। पानी बहुत भरता है यहाँ पर, ये स्थिति है यहाँ की सर। 4 महीने तो यहाँ आदमी काम करने को ही राजी नहीं है। नगर पालिका वाले आते हैं लेकिन ये नाले की सफाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये स्थिति सर। सीवर सिस्टम खराब है, आप ये बता रहे हैं। ये बताइए नाला का कुछ है यहाँ पर, किस क्या समस्या क्या है, मुख्य समस्या क्या है कि नाला किस वजह से नहीं निकल पा रहा? नाला सर यहाँ जाम रहता है, नाला यहाँ जाम रहता है। जब तक नाला नहीं खुलेगा तब तक पानी बाहर निकलेगा ही नहीं। सर मैं तो यहाँ 17 साल से हूँ सर, दो बच्चे मेरे IPS की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में। मैं इसी सब ठेली से सब कुछ कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम पर तो सर स्थिति सबकी ऐसी रही है, कुल मिला के काम सब लोगों का ही डाउन है कुल, ये है सर स्थिति। थोड़ा में लगता है कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा? सर व्यवस्था में तो सुधार आप लोगों के हिसाब से, आप जब तक ऊपर खबर नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे सुधार होगा? जब तक ऊपर आप लोग नहीं पहुंचाओगे कोई खबर, तो व्यवस्था में सुधार कहां से होगा? खोड़ा में रास्तों को लेकर ये कहा जाता है कि एक बार अंदर आ गए तो शाम तक घूमते रह जाओगे, इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। एक जैसे रास्ते, एक जैसी जिंदगी, हम भी निकल पड़े थे खोड़ा को एक्सप्लोर करने। अंग्रेजी में इसलिए बोल दिया क्योंकि अंग्रेजी में हर चीज़ अच्छी ही लगती है, लेकिन अच्छा फील कर ही रहे थे कि एक युवा ने आकर बोल दिया कि हमारी भी सुन लो। फिर इस युवा ने जो बोला वो यहाँ के लाखों युवाओं की आवाज़ है। परेशानी तो देश भर में है, लेकिन खोड़ा में हर दूसरा युवा मुँह लटकाए घूमता दिख जाए तो समझ जाइएगा कि नौकरी की तलाश में आया था और अभी तक मिली भी नहीं। खोड़ा में जहां हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से अधिकतर जो लोग हैं वो यहां पर कामकाज वाले हैं, यहां पर कामकाज करने आते हैं, बाहर से लोग आए हुए होते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे युवक भी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहां पर बेरोजगारी को लेकर बार बार कह रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब मैं 15 दिन से जॉब ढूंढ रहा हूँ, यानी कि इतना कुछ नहीं घूमाऊंगा तो 20-20 किलोमीटर पर डे घूमाऊँ, बट हम लोगों को कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। बेरोजगारी इतनी चल रही है, जहाँ पर भी जाते हैं, एक तो आधा ही से ज़्यादा COVID-19 की वजह से कंपनी भी बंद है, लेकिन कंपनी बंद होने के कारण भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। कहाँ से आए हैं, कहाँ से हैं? मैं जिला जालौन कालपी का रहने वाला हूँ, रहता यहाँ खोड़ा में हूँ। जब घर से निकले थे तब नहीं मालूम था कि यहाँ पर आएंगे ऑफिस के बाद यहाँ पर समस्या क्या आएंगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ जानबूझ पता करके नहीं आए थे? नहीं, पता करके आए थे। जिस जगह बुलाते हैं बोलते हैं ठीक है आज आ जाना, कल आ जाना, इसके बाद जिस दिन भी जाते हैं इंटरव्यू हो जाता है, उसमें भी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, बट बोलता है 9,000 रुपये। 9,000 में 2 लड़कियाँ हैं मेरी, जिसमें से 2 लड़कियों का खर्चा अभी पढ़ाना भी है उनको, बचाना भी है उनको, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी
का नारा भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, इतना ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है कि लोग 100-100 बंदे निकाल दिए जाते हैं कंपनी से, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। कोविड-19 अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और हम लोगों को निकाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग दर्द बयां नहीं कर सकते। कोड़ा में घरों पर लटकते तार और तारों के पास सूखते कपड़े, कोई स्टंट कंपनी देख ले तो खोड़ा के लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे देगी। बात इतनी ही नहीं, यहाँ कई बच्चे नाले में गिरकर मौत के मुंह में जा चुके हैं, तो कई लोग करंट की चपेट में भी आ चुके हैं, फिर भी लोग मस्त हैं, अपनी धुन में हैं। कोरोना काल में गंदगी का सितम देख तो यहाँ अधिकारियों के भी पसीने आ गए थे। खोड़ा पर विशेष ध्यान रखना पड़ा था। मुंबई का धारावी और यहाँ का खोड़ा, दोनों की कहानी एक ही है, बस वहाँ चौल हैं तो यहाँ कम जगह पर ऊंचे ऊंचे मकान। दुकानें भी हर बिल्डिंग के नीचे हैं, वहाँ की शोभा बढ़ाती है। मतलब ऊपर घर हैं तो नीचे रोजगार, और इन सब के बीच भारी बेरोजगार। यहाँ मेडिकल स्टोर चला रहे एक युवक ने हमसे कहा कि बिजली के तार लटक रहे हैं, जिससे उसे बहुत डर लगता है, इन्हें हटवा दीजिए। मैं बिजली विभाग में होता तो तुरंत हटा देता, मीडिया में हूँ तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। खोड़ा में सीवर की समस्या, सब उससे वाकिफ है। तार जो है, तार की ऊंचाई देखिए आप, अगर तार को ऐसे ऊपर तेज हाथ मार दे तो तार जो है वो हाथों में आ जाए। और कितने ही लोग यहाँ पर बिजली के करंट से कितने लोगों की मौतें हो गई, कितने लोग आज भी जो है अपने हाथ पैर से अपंग हो गए, ये बताइए क्या बता रहे थे तारों को लेकर? क्या बता रहे हैं भैया? ये सारे में तार ही तार हैं, यहाँ से वहाँ तक देखो आप, इनमें गाड़ी वाड़ी टूट जाते हैं कभी, तार यहाँ पे गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, और गाड़ियाँ टकराती रहती हैं इनसे, इनमें सर्किट होता, शॉर्ट सर्किट होता रहता है। और बाकी सीवर की प्रॉब्लम तो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और एक पानी की, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिजली विभाग वाले को देख लो, बिजली विभाग वाले आते नहीं यहाँ पे, सारे आते हैं, तार किसी को दिखता थोड़ी ना है, कोई आगे देखता थोड़ी ना। अगर दिखता बिजली विभाग वाले इतना सोचते तो ये तार यहाँ थोड़े ना होते। कौन सी दुकान है आपकी? मेरी लाइफ केयर मेडिकल फार्मेसी। मेडिकल है तो बड़ा खतरा बना रहता होगा ये तार जो है? अरे भैया बस पूछो मत, डर सा ही लगा रहता है कहीं गिर ना जाए। आवास की टीम खोड़ा में घूम रही थी, मैंने गौर करके देखा तो एक सदस्य बढ़ गया था, उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे का गम साफ साफ दिख रहा था, फिर भी मौसम में रंग आ रहा था, तो उनसे हमने बात भी की। उन्होंने बताया कि छुट्टी थी तो आपके साथ टाइम पास कर रहा हूं, बाद में बताया कि दरअसल कंपनी बंद हो चुकी है और वो लंबी छुट्टी पर है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी यहाँ हमारे साथ हैं जो अचानक से हमारे साथ हो लिए, हमने उनसे पूछा कि आप साथ में कैसे, तो बता रहे हैं कि नौकरी है नहीं और कंपनी जो थी वो बंद हो गई कोरोना के टाइम पे, इसलिए वो हमारे साथ हो लिए। क्या नाम है भैया, क्या हुआ आपके? यानी कंपनी बंद थी इसलिए घर पे चला गया हूँ और कोई काम नहीं है। तो अभी यहाँ खोड़ा में क्या कर रहे हैं आप? आए थे किराया देने के लिए। किराया देने आए थे? हाँ। तो हमें देखकर हमारे साथ हो लिए और क्या। अब आज पूरा दिन क्या करने वाले ये बताइए? ऐसे घूम रहे थे, काम मिला नहीं कहीं तो चल दिए घर पर। काम नहीं है क्या? नहीं, काम मिला ही नहीं कहीं। काम नहीं मिला तो पैसा खर्चा वर्चा कैसे चला रहे? खाना क्या करें, वो तो देख रहे हो आप जैसा चल रहा है। विशालकाय आबादी वाली इस कॉलोनी ने अब तक चुनाव तो बहुत देखे, लेकिन क्या नहीं देखा तो विकास नहीं देखा। चुनावों के दौरान हर पार्टी के नेता ने यहाँ के वोटरों से वादे तो तमाम किए, लेकिन हकीकत में तब्दील बेहद कम हो सके। लगभग 10 लाख की आबादी वाली खोड़ा कॉलोनी में 2 लाख मतदाता हैं। इस आबादी में ज्यादातर संख्या किराए पर रहने वाले गरीब लोगों की है, जो मजदूरी करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं या फिर नोएडा की कंपनियों में वर्कर हैं। बड़ी संख्या में खोड़ावासी हर रोज नोएडा के लेबर चौक पर काम की तलाश में भी खड़े नजर आते हैं। इन लोगों को ना तो पीने का साफ पानी नसीब है और ना चलने को सड़कें। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की भी शक्ल बदले। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली जाने वाले लोग सिर्फ यहाँ से होकर गुजरे ही नहीं, बल्कि यहाँ की सूरत बदलती हुई भी देख सकें।
तो ये जो तमाम तस्वीरें आपने देखी, ये जो तमाम चीज़ें आपने देखी, ये आपको झकझोर कर रख देंगी, क्योंकि बहुत बड़ी हिस्सा, एक बहुत बड़ी आबादी जो है इन परेशानियों के बीच यहाँ रहती है, इन स्थितियों में यहाँ पर रहती है, जिसके लिए काम की समस्या है, जिसके लिए रोजगार की समस्या है, जिसके लिए पेयजल की समस्या है, जिसको डर बना रहता है कि कब बिजली के तार उसे छू जाएंगे, कब उसकी ज़िंदगी में कोहराम मच जाएगा। उसके पास तमाम वो समस्याएं हैं, क्योंकि जीवन जीने का भी एक कायदा होता है। यहाँ पेयजल की समस्या तो है ही, साथ ही साथ जो सीवर सिस्टम है वो सालों से उसी तरह से बना हुआ है। नगर पालिका आ रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन एक नाला होने की वजह से आज भी वो समस्याएँ जो हैं वो बनी हुई हैं। इस पर जो कुछ था हमने आपको दिखाया, जो कुछ था हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं हम आपको छोड़ कर जाते हैं, आप इन पर ज़रूर सोचिएगा, इन पर ज़रूर गौर करिएगा और इन चीज़ों के लिए आगे आइएगा, इनकी मदद करिएगा। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ अंधेरा है, जहाँ कहीं क्षमा नहीं है, वहाँ आवाज़ की टीम हमेशा एक क्षमा जलाने की कोशिश करती है। धन्यवाद।